हेलो दोस्तों, चकपैच क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा 2023 में दे रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस मॉडल पेपर 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 NCERT पैटर्न न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी रक्त बिंबाणु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी ग्रास नली में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंतरस, बी एक्सेस रस, सी जठर रस, डी ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, स्वाद कलियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, बी जीभ के ऊपरी सतह पर, डी सी अग्रचवर्णक पर, डी ग्रसनी के भीतर की दीवार पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पाइलोरिक, बी फुड्रिक, सी कार्डियक, डी एपिग्लोटिक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रासनी, बी ग्रासनली, सी ग्रहणी, डी अग्नाशय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरण, बी श्वसन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोर पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीकम, बी रेक्टम, सी कोलम, डी अपेंडिक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए पित्तरस, बी अग्नाशयी रस, सी आत्र रस, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अमाशय में अधपचे भोजन के लिए किस तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए काइम, बी चाइल, सी काइलोमाइक्रोन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी अमोनिया, बी डी बी एवं सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, स्वपोषी के लिए आवश्यक है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, बी सूर्य प्रकाश, सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, चाइल का अवशोषण होता है ऑप्शन नंबर ए इलियम में, बी जेजुनम में, सी कोलन में, डी रेक्टम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है ऑप्शन नंबर ए सीकम, बी अपेंडिक्स, सी जेजुनम, डी कोलम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दांत अस्थिलक्ष का कारण है ऑप्शन नंबर ए मीठी चीज़ का खाना, बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, सी दांतों की सफाई न करना, डी इनमें के सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इनामेल, बी कैनाइन, सी दंत प्लंक, डी मोलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ऑप्शन नंबर ए सिलिया द्वारा, बी कोशिका मुख द्वारा, सी भोजन रसधानी द्वारा, डी कूटपात द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका के मुख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्रकाश संश्लेषण इकाई है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी ऑक्सीजन, सी जल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषक वृद्धि को क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी परजीवी, डी प्रोनिसम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषक अंगक कहते हैं ऑप्शन नंबर ए जर, बी पत्ती, सी स्टोमाटा, डी हरित लवक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से जठरस की ग्रंथि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है ऑप्शन नंबर ए भिदीय कोशिका, बी जाइमोजिन कोशिका, सी म्यूकस कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं ऑप्शन नंबर ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ऑप्शन नंबर ए कूटपाद, बी सिलियम, सी भोजन रसधानी, डी पिनासाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल, बी वसा, सी पॉलीपेप्टाइडस, डी न्यूक्लियोटाइडस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है ऑप्शन नंबर ए निगल द्वार, बी कंठ द्वार, सी मल द्वार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निगल द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अमीबा का मुख्य भोजन है ऑप्शन नंबर ए शैवाल के टुकड़े, बी डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, सी बैक्टीरिया, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ग्रहणी भाग हैं ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा का, बी अमाशय का, सी छोटी आंत का, डी बड़ी आंत का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतर्ग्रहण, बी परपोषण, सी पोषण, डी स्वपोषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैटेक्स, बी रेजिन, सी गोंद, डी टैनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े से, बी यकृत से, सी श्वास नलिका से, डी वृक्क से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन नंबर ए रात में, बी दिन में, सी रात दिन, डी सुबह शाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है ऑप्शन नंबर ए भोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल, डी अमीनो अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है ऑप्शन नंबर ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोजम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी लिम्फ, डी लसिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं ऑप्शन नंबर ए पत्ती, बी हरित लवक, सी क्लोरोफिल, डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, बी मूत्रवाहिनी, सी ग्लूमेरुलस, डी बोमेन संपुट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन नंबर ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश, डी जल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए कूटपाद, बी परिवहन, सी भोजन रसधानी, डी केंद्रक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल मोल, बी 305 किलो जूल प्रति मोल, सी 3.5 किलो जूल प्रति मोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। हार्मोन स्रावित होता है ऑप्शन नंबर ए अंतरस्रावी ग्रंथि से, बी बहिस्रावी ग्रंथि से, सी नालिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है ऑप्शन नंबर ए चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड से, बी यकृत से, सी वृक्क से, डी वृषण से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकांड्रिया, डी कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एब्सेसिक अम्ल, बी जिबरेलिन, सी इथाइलिन, डी ऑक्सिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ग्राही, बी प्रवाहक, सी उत्तरदायी, डी बेचैनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि का प्रकार है?